नमस्कार दोस्तों, मेरी इजी लिट्टी ज्ञान यूट्यूब में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे पास एक कोनिडा का एलसीडी है जो कि ये डेड की स्थिति में है। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं जल रहा है और ना स्टैंड बाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो चलिए, यहाँ पर मैंने इसका जो लीड है, लीड को मेन बोर्ड से लगाकर चेक कर लेते हैं। चलिए, लीड को लगा दिए। उसके बाद में यहाँ इंडिकेटर जो है, यहाँ रेड कलर का इंडिकेटर जलना चाहिए लेकिन इंडिकेटर नहीं जल रहा है। और इस साइड में पावर का बटन है, तो चलिए पावर का बटन को हम प्रेस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पावर बटन भी प्रेस करने के बाद में जो एलसीडी है, एलसीडी स्टैंड बाई नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो है, इसके अंदर जो पावर सप्लाई बोर्ड है, पावर सप्लाई बोर्ड से कोई प्रॉब्लम होगा। इसी की वजह से इसमें सप्लाई जो है नहीं आ रहा है। तो एलसीडी में चारों तरफ स्क्रू रहता है, एलईडी में भी बीच में और चारों तरफ स्क्रू रहता है। तो सबसे पहले चारों तरफ स्क्रू को हम खोल लेंगे और उसके बाद में ऊपर का कैबिनेट को हटा लेंगे। हटाने के बाद में जो पावर सप्लाई बोर्ड है, सबसे पहले पावर सप्लाई बोर्ड को ऑन करके ओपन करके इसको चेक कर लेंगे बारीकी से, कहीं से कोई पॉइंट जो है, कोई ट्रैक जो है ओपन तो नहीं हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं एक के ट्रांसफार्मर का जो एक पॉइंट जो है, जो फिल्टर से आया हुआ है, तो यहाँ से इसका एक पॉइंट ओपन हुआ है। इसके वजह से इसका जो सप्लाई है, सप्लाई ड्रॉप कर दिया है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले फिल्टर को डिस्चार्ज कर लेंगे। तो फिल्टर को अच्छी तरह से एक बार दो बार करके डिस्चार्ज कर लेना है। उसके बाद में इसको हम ज्वाइंट करेंगे। देख रहे हैं, यदि इस फिल्टर कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो कहीं पर हम बाय द वे हाथ भी रखेंगे तो करंट लग सकता है। तो सबसे पहले आपको 100 वाट के बल्ब से या इसको शॉर्ट करके डिस्चार्ज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ जो पिन ओपन हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से इस प्रिंट को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। उसके बाद में इसको सोल्डिंग आयरन के मदद से इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेंगे, जम्फर कर देंगे हम। तो यहाँ पर पावर सप्लाई सेक्शन जो है, कंफर्म होने के लिए मल्टीमीटर को मदद से हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ फिल्टर के प्लस और माइनस कोई भी पॉइंट पर हम रखेंगे तो एक साइड में जो है रीडिंग जो है शो करेगा, एक साइड में रीडिंग शो करके और माइनस में हो जाएगा, एक हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसे पता चल जाता है कि जो पावर सप्लाई सेक्शन है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से एक वायर ले लेंगे, वायर का टुकड़ा, और इससे हम इसको अच्छी तरह से जम्फर कर लेंगे हम। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार हैं, यदि इस वीडियो को आप पूरा देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। इसलिए कि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं तो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के थ्रू हम वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। और जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई फेक वीडियो नहीं होगा। जो आपका वीडियो होगा रियली एकदम आपको परफेक्ट होगा। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और मेरा वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, इस जो पॉइंट है ओपन हुआ है, इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेंगे हम। चलिए, इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग करके और आउटपुट जो सप्लाई है 12 वोल्ट है, आउटपुट सप्लाई से
ये चलता है तो आउटपुट सप्लाई भी हम चेक करके दिखाएंगे। उसके बाद में टीवी को ऑन करके और जो वीडियो क्वालिटी है उसको चलाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से जम्फर कर दिया और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसमें सप्लाई देंगे और जो 12 वोल्ट आउटपुट सप्लाई होता है उसको चेक कर लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर रेड इंडिकेटर जल गया और स्टैंड बाई भी हो गया। तो चलिए मल्टीमीटर से हम मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट के रेंज में इसको रख लेते हैं और यहाँ पर सप्लाई सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। देख रहे हैं दोस्तों आउटपुट सप्लाई 12 वोल्ट यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो चुका है और पहले 12 वोल्ट सप्लाई भी नहीं मिल रहा था और जो रेड इंडिकेटर जलता था वो भी नहीं जल रहा था। तो चलिए बोर्ड को हम पावर सप्लाई बोर्ड को अच्छी तरह से स्क्रू को कस लेंगे और जो वायर जिस तरह से था उसी तरह से वायर को हम रख कर और ऊपर का जो LCD डिस्प्ले है डिस्प्ले के जो LDBS केबल है LDBS केबल को हम जहाँ से निकाले से थे जिस तरह से उसी तरह से LDBS केबल को हम लगा लेंगे। और जो डिस्प्ले है डिस्प्ले सीधी दिशा में होना चाहिए जिस तरह से था सेम उसी तरह से डिस्प्ले को हम रख लेंगे। चलिए अब इसमें सप्लाई देकर और स्टार्ट करके देख लेते हैं कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख रहे हैं दोस्तों टीवी जो है ऑन हो चुका है डिस्प्ले पर ओनिडा लिख रहा है। और चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ ऑडियो वीडियो का जैक है तो ऑडियो वीडियो को जैक को भी हम लगाकर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं पिक्चर भी आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे।